हमारे हॉस्पिटल में रोज़ जो पेशेंट आ रहे थे उससे ओपीडी के जो नंबर्स हैं वो जस्ट डबल हो गए हैं, और उसमें क्या 50% से ज़्यादा जो पेशेंट हैं वो आई फ्लू के आ रहे हैं। हमारी तरफ से हम अपने डॉक्टर्स की पूरी टीम कोशिश कर रही है कि जो भी पेशेंट हमारे पास आए उसका पूरी तरह से इलाज कर सकें, लेकिन क्या है कि पेशेंट को और उनके परिवार वालों को भी अपनी तरफ से सावधानी बरतनी होगी, काले चश्मे लगाने होंगे, जो डॉक्टर्स दवाई उनको प्रिस्क्राइब करे वो टाइम पे दवाई डालनी होगी, और एक दूसरे को टच करने से बचना होगा, उसके कपड़े वगैरह हैं वो अलग रखने होंगे। इस तरह की थोड़ी सी सावधानियाँ हैं, अगर लोग रखेंगे तो ये संक्रमण क्या है ज़्यादा नहीं फैलेगा। किस तरह के रोगियों के लिए आपने कोई विशेष हॉस्पिटल में लक्ष्य? इसमें क्या है कि हमने आइसोलेशन वार्ड वगैरह किया हुआ है, कोशिश करते हैं कि जो इस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं वो सब जगह ना घूमें। एक जो डॉक्टर हैं, दो डॉक्टर हमने डेडिकेटेड किए हुए हैं जो इसी तरह के जो पेशेंट हैं उन्हीं को देख रहे हैं, ताकि क्या कि हमारे यहाँ जो पेशेंट हैं उससे दूसरे पेशेंट को ना फैले। जी, तो आजकल जो फैल रहा है इन्फेक्शन आँख में, वो जैसे मरीज आता है तो उसको देखने में थोड़ी हो सकता है धुंधला हो, आँख लाल हो सकती है, और हो सकता है कि दर्द भी हो, ठीक है? तो ऐसा अगर होता है, मरीज को लगता है या कोई भी परेशानी लगती है आँख में, तो सबसे पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना है, ठीक है? साथ में ऐसा नहीं है कि मेडिकल स्टोर से जाके सीधा दवाई ले लेते हैं, यहाँ पे आके पहले डॉक्टर को दिखाना है, फिर हम अपनी तरफ से ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, ठीक है? और क्या करना है कि जो अपने ये जो कपड़े हैं सारे के सारे, ये अपने अलग रखने हैं, तौलिए अलग रखने हैं, कोई भी तकिए अलग रखने हैं अपने, तो क्योंकि ये एक बंदे से दूसरे बंदे में फैल सकता है। ऐसा नहीं है कि देखने से फैलता है, लेकिन ये जो हम सामान यूज़ करते हैं, तौलिया जैसे अगर हमने यूज़ किया, किसी और ने भी यूज़ किया, तो इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये करना है कि हमें अपनी सारी चीज़ें अलग रखनी है, डॉक्टर से संपर्क करना है, और उनको हर 15 दिन में, मतलब हर 5 दिन में आपको दिखाना है। ये 14 से 21 दिन तक रह सकता है, ठीक है? लेकिन ये है कि अगर आपने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है तो 14 से 21 दिन में, वरना थोड़ा बढ़ भी सकता है। तो सर, ये आपकी पहले में रम में ओपीडी कितनी बढ़ चुकी है? ये पहले से तो काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं, दिन के हम 20 से 25 देख लेते हैं इन्फेक्शन, तो हो ही रहा है आजकल काफ़ी। बस ये है कि अपने सावधानी बरतें, और ये इन्फेक्शन हो सकता है, होता है बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, वायरस का इन्फेक्शन होता है, इसको वायरस होता है एडीनो वायरस, ठीक है? उस वजह से फैलता है, ठीक है? तो हमारा मेन ये मकसद ये है कि दवाई शुरू करें, टाइम से दिखाएं, और फिर अपने सावधानी बरतें। फिलहाल हमारे पास 75% ओपीडी जो है, आजकल जो बीमारी फैल रही है आई फ्लू, तो उसी की आ रही है। आई फ्लू का मेन लक्षण है कि आंखें लाल होना, आंखों में खुजली चलना, आंखों में कीचड़ आना। तो इसके बचाव के लिए उपाय ये होंगे, जिस भी मरीज को ये सारे लक्षण हैं तुरंत अस्पताल में दिखाएं, और उनके जो साथ वाले हैं वो उनकी छुई हुई चीज़ें ना छुएं, मरीज को काला चश्मा पहनवाएं, और धूल मिट्टी धूप से उनको बचाएं, और ठंडे पानी से या बर्फ़ से उनकी सिकाई की जाए, और बाकी जो डॉक्टर जो दवाइयाँ दें उनका पूर्ण रूप से पालन करें। मैम, किस कारण से ये संक्रमण फैलने लग रहा है? ये एक वायरल संक्रमण है। किसी भी वायरस की एक्टिविटी जैसे ही ज़्यादा होती है, हमारी आँख की इम्यूनिटी कम होती है, तो वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। ये नॉर्मली खुद ब खुद ठीक हो जाता है, लेकिन जिन मरीजों को ज़्यादा दिक्कत है उनको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और जैसे 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 डॉक्टर बताए वैसे वैसे इलाज कराना चाहिए। मैम, कितने दिन तक ये रहता है संक्रमण? ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता, लेकिन ज़्यादातर लोगों में 5 दिन में बीमारी ठीक हो जा रही है।